मेहता का उल्टा चश्मा। अहो उस सरिता बहन का घर का फोन कोई उठा नहीं रहा है, आपका जरा मोबाइल दीजिए ना, उसमें उनका मोबाइल नंबर है। अहो मोबाइल दीजिए ना। मोबाइल प्रकरण शुरू। सरिता बहन को फोन करना है, उसमें क्या मोबाइल प्रकरण शुरू? अरे नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ माधवी के गोकुल धाम में अभी मोबाइल प्रकरण शुरू होगा। मंजे? क्या हुआ, जेठा की अभी अंगूठी खो गई थी कंपाउंड में, तो टप्पू ने उसे ढूंढ कर दे दी। अरे वाह। हाँ, लेकिन उसके बदले टप्पू ने उससे मोबाइल मांगा और जेठा ने हाँ बोल दिया है। अरे वाह मज्जा है। अरे मज्जा का है मज्जा, टेंशन की बात है माधवी। आपको क्या टेंशन है, जेठा भाई ने आपसे पैसे मांगे क्या? माधवी मजाक की बात नहीं है। आई आई आई, जेठा अंकल ने टप्पू को मोबाइल देने का प्रॉमिस किया है। हाँ मैंने अभी वही बताया एको। हाँ तुम्हारी स्कूल बैग पैक करो बेटा, जाओ। ओके। हाँ जाओ। मेरा डर ये है माधवी के टप्पू के इस मोबाइल की देखा देखी में कहीं बाकी के बच्चे भी मोबाइल न मांग ले। ऐसे कैसे होगा, कमाल है भाई। अरे ऐसा ही होता है माधवी, तुम नहीं समझोगी, दिस इज चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, ये आपकी फिलोसॉफी है। है? आपकी फिलोसॉफी मतलब ये आपकी सोच है। कितना आगे का सोच रहे हो आप, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कोई मोबाइल वगैरह नहीं मांगे। पापा मुझे भी एक मोबाइल मिल सकता है क्या? अरे गोली, तू तो मोबाइल ऐसे मांग रहा है जैसे पेन पेंसिल मांग रहा हो। गोली बेटा तुझे मोबाइल की क्या जरूरत है? हाँ पापा, टप्पू के पापा ने भी मोबाइल के लिए हाँ बोल दिया है। अच्छा बेटे, टप्पू ने मोबाइल लिया इसलिए तुझे मोबाइल चाहिए। क्या है मम्मी, मोबाइल से काम फास्ट होता है, मुझे खेलने जाना हो, क्लासेस जाना हो, स्कूल जाना हो, किसी की वेट नहीं करनी पड़ती। अभी एक फोन किया, टप्पू नीचे आ जा, बस 5 मिनट में हाजिर, टाइम कितना बच जाता है। गोली बेटा हम सब एक ही सोसाइटी में तो रहते हैं, आवाज लगा कर किसी को भी बुला सकते हैं, उसके लिए मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? करेक्ट। एंड बाय द वे बेबी, तुम कौन से बड़े कंपनी के मैनेजर हो कि तेरे 5 मिनट इतने इम्पोर्टेंट है? मम्मी पापा मोबाइल के और भी बहुत सारे फायदे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल? कोई भी पोर्शन हो, गाइड बुक हो, मोबाइल पर डाउनलोड करके पढ़ सकता हूँ ना। वाह, घर में इतने सारे किताबें वो पढ़ी नहीं जाती, डाउनलोड करके पढ़ेगा ये, यानी डाउनलोड का खर्चा अलग। गोली बेटा कोई अच्छा एग्जाम्पल दो। अच्छा एग्जाम्पल? हाँ पापा, समझो मैं रास्ते से जा रहा हूँ और आपको समोसे खाने का मन हुआ, गर्मा गर्म समोसे। अगर मेरे पास मोबाइल है तब मेरे मोबाइल पर फोन करके बोल सकते हो, गोली बेटा जल्दी से गरम गरम समोसे ले आ, बस 5 मिनट के अंदर गर्मा गर्म समोसे आपके मुंह में। हंस, तुम समोसे के लिए इसे मोबाइल लेकर दोगे? नहीं कोमल, सिर्फ समोसे नहीं, गुलाब जामुन, भेल पूरी, सेव पूरी, सैंडविच, कुछ भी खाने को मंगा सकते हैं। हंस? मम्मी वैसे भी आपसे मैं कहाँ हाथी घोड़े मांग रहा हूँ, अरे एक छोटा सा मोबाइल मांग रहा हूँ। मोबाइल छोटा ही होता है पुत्र, पर छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। अगर ऐसा होता तो टप्पू के पापा टप्पू को मोबाइल के लिए हाँ क्यों बोलते? बल भी ठीक है। ए रोशन खेलो ठीक है चेसू। गोगे डिकरा, टप्पू अगर मोबाइल लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भी मोबाइल लेना है, तो अभी टप्पू से बहुत छोटा है। पापा अब मुझे मोबाइल लेकर नहीं दोगे? पापा से क्या पूछते हैं, मोबाइल फोन नहीं मिलेगा और घड़ी घड़ी पापा को पूछने की जरूरत नहीं। हाँ मम्मी एग्जाम में मुझे मोबाइल बहुत काम आ सकता है। हाँ कॉपी करने के लिए? नहीं नहीं मम्मी, अगर मैं एग्जाम में रबर या पेंसिल भूल गया तो मैं अपने मोबाइल से पापा को फोन करूंगा और पापा गड्डी लेकर रबर पेंसिल लेकर आ जाएंगे। गोगी टिकरा, पेंसिल और रबर चाहिए तो तू किसी अपने क्लास के फ्रेंड से भी ले सकता है, उसके लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। नीचे उठा रोशन, नीचे उठा, चल तू इधर। हाँ बोल बोल। मम्मी एग्जाम में मोबाइल में मैं टाइम भी देख सकता हूँ और सुबह जल्दी उठने के लिए मैं अलार्म भी सेट कर सकता हूँ। हाँ ये बात तो ठीक है, पर उसके लिए मम्मी तुझे खड़ी ला कर देगी, मोबाइल की क्या जरूरत है? पापा पापा तुसी एक गल दसो,
पूछो पुत्र। पापा आज तक मैंने आपसे सिर्फ रिपोर्ट कार्ड का साइन ही मांगा है ना, साइन के सिवाय कुछ मांगा है? नहीं पुत्र। बस तो पापा, आपका प्यारा सा पुत्र एक छोटा सा मोबाइल ही तो मांग रहा है, अब वो नहीं दोगे पापा? प्लीज पापा, प्लीज बोलो ना पापा, आप अपने पुत्र के सवाल का जवाब दीजिए, अब मोबाइल नहीं लाके दोगे? बोलिए पापा, बोलिए, बोलिए पापा, बोलिए पापा, बोलिए, मैंने कुछ मांगा है आपसे? नहीं रोशन, नहीं रोशन, रोशन नहीं। मेरे प्यारे पापा, मेरे भोले पापा, मुझे फोन दिला दो, समझो मेरी इमोशन। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा, समझो मेरी इमोशन, समझो मेरी इमोशन, हाँ हाँ मेरी इमोशन। आपका नाम होगा रोशन, समझो मेरी इमोशन। मेरे प्यारे पापा, मेरे भोले पापा, मुझे फोन दिला दो, मुझे फोन दिला दो, समझो मेरी इमोशन। रोशन माय डार्लिंग, कोकी पुत्र ने गाना गा के मैंने और इमोशनल कर दिया। मुझे लगता है अब गोगी पुत्र को मोबाइल फोन देना ही होगा। ये आटा की पापा, बल्ले बल्ले बल्ले, मेरे प्यारे पापा, मेरे भोले पापा, ये बल्ले बल्ले बल्ले। गोवेश्वर क्या लिखा क्या है आपने? अक्षरे का कोमड़ी से पाए सी, और ये क्या लिखा है? द टोटल सर्क्यूलेशन, सर्क्यूलेशन बाबा, सर्क्यूलेशन। अरे हाँ, सर्क्यूलेशन। ये लड़का मेरे चश्मे का नंबर बढ़ाने वाला एक दिन। कठिन है बाबा, कठिन है। बाबा हाँ, ये मेरी होमवर्क बुक। अच्छा। और ये प्रैक्टिकल बुक। वावा, भारत अप्रतिम। लेकिन ये सारी बुक्स मैं कल चेक कर चुका हूँ, तुम फिर से मुझे क्यों दिखा रही हो? बाबा मैंने सोचा कि आप मेरी होमवर्क बुक देख के खुश हो जाओगे, और खुश होकर मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, यही सोचा ना तुमने? लेकिन कान खोल के सुन ले, मोबाइल मिलना नहीं। ऐसा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली लिख कर देना चाहिए ना, लिख कर दे दू मोबाइल मिलना नहीं। मनु बिचारी ने कहा मांगा है आपसे मोबाइल? बिचारी, बिचारी नहीं माधवी, बिचारी बिचारी, विचार करके ये सब किया उसने, देखा नहीं कैसे बिना बोले चली गई। अरे ये सब नाटक था उसका, उसको मोबाइल चाहिए ना इसलिए। लेकिन मोबाइल मिलने वाला नहीं है, कंफर्म मुझे कंफर्म। तो पापा कंफर्म मोबाइल के लिए हाँ है ना? हाँ। यस यस। लेकिन मेरी एक शर्त है, मोबाइल फोन उतना ही इस्तेमाल करोगे जितनी जरूरत है, दिन भर बैठ के गेम नहीं खेलोगे। मैं गुरुचरण सिंह बोल रहा हूँ, मुझे गोगी से बात करनी है। ओए गोली, मैं गोगी बोल रहा हूँ। तो जो रूटीन नाम है वो बोलना। अच्छा गोगी, मेरे पापा ने मोबाइल फोन के लिए हाँ बोल दिया है। ओए की गल कर रहा है मेनू भी। वाह वाह क्या बात है। और सोनू को? मेनू की पता। ओके ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ओके बल्ले बल्ले बल्ले। हेलो विरंकल, गोली बोल रहा हूँ। हाँ बोल गोलिया। एक मिनट, सबसे पहले मुझे बोलने दे, थोड़ी देर पहले तुम्हारा होमवर्क चेक करा था मैं। क्या लिखता क्या है तू? हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अक्षरे का कोमड़ी से पाए और इतने स्पेलिंग मिस्टेक, कब सुधरेगा तू भाई? विरंकल क्लास की बात क्लास में, मैंने अभी पर्सनल काम से फोन किया है। ओहो, पर्सनल काम से फोन किया है? पर का मतलब सोनू से काम होगा? सोनू ए, क्या काम है सोनू से? वो बिड़ंगल, आप एक काम करो, आप नाश्ता तैयार रखो, आपके घर आकर मैं फेस टू फेस बात करूंगा। ये, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, मैं सोनू को अभी बुलाता हूँ। सोनू, सोनू, ये सोनू। गोया का फोन है।
हाँ गोली बोल। सोनू एक गुड न्यूज है, मुझे और गोगी को मोबाइल फोन के लिए हाँ बोल दिया है। वाओ सो लकी। बाबा ने तो साफ मना कर दिया है। ओह नो। बाद में बात करते हैं, बाय। मना कर दिया? ये गोया ने मोबाइल के लिए फोन किया था? हाँ, गोगी और गोली को उनके पेरेंट्स मोबाइल लेके दे रहे हैं। अच्छा, वाटलेस माला। देखा माधवी, मैंने बोला था ना, ये जेठालाल के वचन की वजह से मोबाइल का हंगामा हो जाएगा। तभी बच्चे मोबाइल मांगेंगे, मांग रहे ना अभी। चाइल्ड साइकोलॉजी। लेकिन सोनू, कुछ भी हो जाए तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। हाँ, अंदर जाओ। अहू, मैं क्या कहती हूँ, दे दीजिए ना मोबाइल, उसमें क्या हर्ज है? माधवी, एक बार मोबाइल लेकर दे दिया ना, तो गेम्स, फोन, मैसेज, इंटरनेट कनेक्शन सब चालू हो जाएगा और पढ़ाई से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे एक बात बताइए, आज तक सोनू ने कभी कोई बेकार की चीज के लिए जिद की है? नहीं ना। और जरा सोचिए, अगर सबके पास मोबाइल होगा और अपनी सोनू के पास नहीं होगा, तो बेचारे उसको कितना खराब लगेगा, हो कि नहीं? और सबसे मेन बात, सोनू अब हमारे साथ और कितने साल है, उसकी शादी हो जाएगी, फिर क्या वो अपने पापा के पास ऐसी मांग कर पाएगी? देखो माधवी, अभी तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो, तुम मेरी चिंता समझ रही हो ना? मोबाइल की वजह से उसकी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सोनू पर विश्वास है ना? विश्वास है बस, तो आप सोनू के लिए मोबाइल खरीद रहे हो? सोनू नौकरिये बाहर, सोनू। अरे माजे भाई, पापा मान गए हैं नौकरिये। अरे क्या क्या, मुझे मोबाइल दे रहे हो? मेरी बात सुनो। ओके 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 ओके, लेकिन एक मिनट एक मिनट, लेकिन इसके पहले हमें मोबाइल का बजट फिक्स करना है। हाँ, कई हरकत नहीं। हाँ, अपने मोबाइल का बजट होगा 1500 रुपया। 1500 रुपए बजट है आपका? है, करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मोबाइल भी 1500 रुपए का ही है, लेकिन इसमें सारे फीचर्स है। इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग मैसेज, आउटगोइंग मैसेज। ये देखो, कैमरा है विद एफएम रेडियो। मुझे रेडियो नहीं चाहिए। हा? मुझे आपके जमाने का नहीं, लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। इबो बरोबर है दीचा, ये आपके जमाने का स्मार्टफोन है, उसे आज के जमाने का स्मार्टफोन चाहिए। कम से कम 4-5 हजार का तो बजट रखिए। 4-5 हजार कम है, ठीक है 6 हजार का रखते हैं। ये नहीं नहीं नहीं, 4-5 हजार ठीक है, मैं उसी में स्मार्टफोन खरीदूंगा। सच बाबा, प्रॉमिस। प्रॉमिस बाबा, मैं कल तुम्हें स्मार्टफोन खरीद के दे दूंगा। मम्मी, पापा, पापा। हाँ हाँ, दिक्का। अभी क्या है इसको? हाँ, क्या हुआ दिक्का? पापा, पापा, मैं क्या कहता हूँ? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। देखो, दुकान तो अपनी है, तो चलो ना, हम लोग अभी जाके दुकान खोलकर मोबाइल लेकर आ जाते हैं। दादाजी कहते ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चले बेटा, तू तो जानता है हमारा गड़ा खानदान की परंपरा है वचन निभाने की, और मैंने अपने आप को वचन दिया है कि मैं तुझे मोबाइल कल दिलाऊंगा। तभी वो वचन तो मुझे निभाना ही पड़ेगा ना बेटा, है? बाप हूँ मैं तेरा बेटा। लेकिन पापा, टप्पू स्मार्टफोन लेगा? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें जैसा फोन चाहिए ना वैसा फोन दिलाएंगे। सच्चे पापा? देखेंगे। देखेंगे नहीं पापा, अब प्रॉमिस करो मुझे जो फोन पसंद आएगा वही फोन दिलवाएंगे। अरे भाई, वो कल दुकान में जाके देखेंगे भाई, अभी क्या है, अभी तो शांति से जाके सो जा और सोने दे।
टप्पू बेटा तुम्हारे पापा ने कहा ना देखेंगे, मतलब वो बराबर देख कर चेक करके तुम्हें जो चाहिए ना वही फोन दिलाएंगे बेटा। अभी सो जा दीदी का, चलो। ओके मम्मी, बाय बाय। बाय पापा, गुड नाइट। बाय बाय, लव यू। बाय बेटा। ये मोबाइल के लिए इतनी जिद कर रहा है, कभी पढ़ाई के लिए इसने इतनी जिद की है? पढ़ाई का तो नाम सुनते ही भाई सबको खेलने के, खाने के, सोने के हजारों बहाने याद आ जाते। बच्चा है, जाने दीजिए ना, अभी सो जाइए, चलिए। एक लव पकड़ के बैठ जाता तो फिर छोड़ता ही नहीं है। इसका जन्म के टाइम पे क्या खाया था तूने? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जब अपने बच्चे जीत करे ना तो हमें हमारे बचपन को याद करना चाहिए, तो हमारे बच्चे की जीत हमें कभी भारी नहीं लगेगी। बात तो सही है दया, ये जीत को लेकर मुझे मेरा किस्सा आज भी याद है। अच्छा? परीक्षा के पहले मेले में जाने की मैंने जीत की, वो भी परीक्षा के अगले ही दिन। बापू जी ने साफ मना कर दिया, फिर भी मैं अपनी जीत पे अड़ा रहा कि नहीं मुझे मेले में जाना ही है, जाना ही है। मैंने कहा मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे जाने दीजिए। बापू जी ने बेमन से मुझे इजाजत दे दी और मैं मेले में गया, और वहाँ जाते ही सबसे पहले छोटे चकडोल में बैठ गया, और चकडोल में बैठते इतना उत्साहित हो गया कि चालू चकडोल में खड़ा हो गया तो मेरा बैलेंस गया और मैं नीचे गिर गया। पैर में जबरदस्त चोट आई और चकडोल में चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। हाँ तो चिल्लम चिल्ली तो होगी ना, आपको चकडोल में से नीचे गिरते देख सब लोग डर गए होंगे। नहीं, वो मुझे लेकर नहीं चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, वो लोग सब अपने लिए चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। क्यों? मैं चकडोल में से नीचे गिर गया तो चकडोल में वजन अचानक कम हो गया ना, तो चकडोल एकदम फास्ट 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 घूमने लगा, तो जो भी बाकी के हल्के फुल्के बच्चे थे वो सब डर के मारे एकदम चिल्लाने लगे। फिर दूसरे दिन मेरे पैर की चोट की वजह से बापू जी को मुझे अपने कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाना पड़ा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन अगर मैंने जिद नहीं की होती और बापू जी की बात मानी होती तो ना मुझे चोट लगती, ना ही बापू जी को मुझे उठा के स्कूल ले जाने की तकलीफ होती। ऐसा ही है टप्पू के पापा, जब तक एक बेटा खुद बाप नहीं बनता तब तक उसको अपने बाप की हर सलाह गलत ही लगती है। वाह दया, बहुत गहरी बात कह दी तूने। एक और गहरी बात कहूं? क्या? अभी यहाँ सिर्फ आप हो, मैं हूँ और ये चार दीवारें हैं। तो अभी आप जल्दी से सो जाइए वरना सुबह लाइट उठेंगे ना तो बापूजी गुस्सा करेंगे। बेटा अभी तक जाग रहा है, तू सो जा। कल मेरा मोबाइल आ जाएगा दादाजी। बुढ़ा, मोबाइल के बारे में इतना सोचेगा तो सपने में भी मोबाइल ही दिखेगा। सपने में नहीं दादाजी, अब तो कल सुबह हकीकत में मोबाइल दिखेगा। हाँ देखना, देख चल, अभी तो सो जा बेटा, सो जा। हाँ। मित्रों, बंदर और बच्चों में एक चीज बड़ी कॉमन होती है, नकल करने की आदत। और वैसे माफ कीजिएगा, ये आदत थोड़ी बहुत हमारी महिलाओं में भी होती है कि भाई किसी ने कोई साड़ी खरीद ली तो मैं उससे बेहतर साड़ी खरीदूं। अब क्या करें साहब, मानवीय स्वभाव है। अब देखिए ना, यहाँ पे टप्पू को मोबाइल मिलेगा और टप्पू के साथ साथ गोगी, गोली और सोनू को भी मोबाइल मिलेगा, यानी एक हंगामे के साथ तीन हंगामे फ्री। लेकिन आप सोचिए, अभी मोबाइल मिले नहीं है बच्चों को, क्या होगा?
अगर मोबाइल नहीं मिले तो हंगामे, और मिल गए तो और ज्यादा हंगामे। और वैसे मोबाइल लेने जाएंगे तो सब जेठालाल की दुकान पे, और बच्चे अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी जाएंगे। तो सोचिए तो छोटी सी दुकान में इतने सारे लोग, यानी कि बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं जेठालाल की दुकान पे। लेकिन आपके घरों में हंसी का ट्रैफिक अनवरत जारी रहेगा। और हाँ, आप में से किसी को मोबाइल खरीदना हो तो आ जाइए सोमवार की रात 8:30 बजे जेठालाल की दुकान पे मेरे साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.